जेड़ा साढ़े दीन के बारे गाल करता ना उन्हें लित्तर लवे ला ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा। जेड़ा साढ़े दीन के बारे साढ़िया धीया भैन के बारे कोई गाल करता ना हाँ। पहले नंबर तो उसके चोर नूं पूछो भाई तेरी धी काहे नी कुती दे पोतरा तेरी भैन माँ काहे नी तेरी माँ ते भैन बाजारू कोई नी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा। एक बार नहीं वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। ये कहाँ का इस्लाम? 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आई तो मतलब मैं भी ना मर दूं, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देखे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। देखिए आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे इंसान सामने आके इंसान खड़ा होगा मुझे फील होगा हाँ। लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैं बीमार हूँ। इतनी शर्म नहीं है उसको जो अनमेड होते हैं उन्होंने बाजारी बोल दी है, उनसे गरमा बहनी होगी हाँ। जो उनकी बेटी नहीं होगी ना उस बिल्ला अल्लाह माफ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे वो बाजारी ही है बंदा पूछे। आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट वो एक आप उलमे ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने दो औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। डॉक्टर नहीं है वो, कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं। वो डॉक्टर नहीं है वो, कुत्ते का तो पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना पहले सोचिए अपने, पहले सोचिए अपनी भैन आल, अपनी माँ आल, अपनी धी आल, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दियाँ भैन आल गल कर। जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये ख़वातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2,05,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो हाँ। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता। आप नाउज़ बिल्ला हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखें उसमें क्या लिखा गया है, एंड तक पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो, एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी डिसीजन देख लें जाके। एक को टाइल गाली ये हराम है हमारे में, थ्री वो पहना ना पैंट शर्ट पहना, वो इस पर फतवा नहीं दिया कभी उसने बंदा पूछ जाकर, और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए आप? आप पाकिस्तान में आए हो आकर, आप लोग हारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान देख लो आगे सब, यू नो इनका ये बयान चक्के उठा के जाकिर नाइक ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मतलब मौलाना फजलुर रहमान है, वो उलमा है। आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप, यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप फतवे देते हो, कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया आपने सच किया? इनका एक इंटरव्यू हुआ बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया, इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको उसका ईमेल करूंगा, 10 साल हो गए आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू खवातीन है, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माओ बहनों की शादियाँ नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए।
मैम मेरी बात सुने, देखें ना आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है, आप देखें ना उनको बोलें कि इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमैरिड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिए, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, हाँ। जो उनकी बेटी नहीं होगी ना उस बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी ही है बंदा पूछे, आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलमे ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती, आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने दो औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया, ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो, आप ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकल, ये नाइक नहीं है, ये नाइक ही सही, जिन्होंने बड़ा सही बोला है मैंने ख्याल से। इन्होंने कहा कि ये बात शाही मस्जिद के अंदर जो है वो जुम्मे का नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी बैन कर दी गई कि भाई नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुम्मे की नमाज पढ़ाते तो पता नहीं और कितने फितने फसाद पाकिस्तान में बरपा होते, लिहाजा इनका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बैन कर दिया गया, इनको जो नमाज पढ़ाने का जो एक इनका ख्वाहिश थी वो भी इनसे छीन ली गई। अच्छी बात है ना, मैं कहता हूँ दबा के इनके ऊपर बैन करें, इनको इनको नमाज पढ़ाने का हक ही नहीं दिया गया। उलमा है ठीक है, आप नमाज पढ़ाएं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फितना क्यों दे रहे हो? आप किसी बगैर तो वो जान पड़ताल लिखे हुए, आप क्यों उसके ऊपर फितना दे रहे हो? मैं कहता हूँ आप हमारे किसी उलमा बड़े उलमा के साथ बैठेंगे, बैठता भी नहीं किसी के साथ, एक ही जमात में खड़ा होकर जी कलमे पढ़ा रहा है लोगों को मुसलमान कर रहा है, ये तरीका कार है मुसलमान करने का? जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर सकते हो आप? नहीं, आप उनको बयान देते हो वो सही होता है, एक आयत पढ़ के सुनाता है, हमारे उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया उसका तजबा इसने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये वन टू वन फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के, ये उलमा है, ये फितना पला हुआ है, एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है, एक और बंदा है जो क्या कहते हैं वो, कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब, मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लख, इंडिया ने सही निकाला इनको, इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए, अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिखे तो हैं आप, दो कुरान एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ कर रहे हैं आप कौन सा कुरान पढ़ कर रहे हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को? तुरात, जबूर, अंजीर सब पढ़ा हुआ है, मैं तो तमाम किताबों का इल्म रखता हूं। तुरात, जबूर, अंजीर ये लिखा हुआ था कि हमारे भी अनपढ़ थे, हालांकि कुरान पाक का इल्म तुरात में भी है, अंजीर में भी है, जबूर में भी है, इसने क्या पढ़ा वहाँ पर? अब हमारे नबी को नाउज़ बिल्ला क्या कहे नहीं बोल के चला गया ये लोग, एक कराची में इन्होंने नाउज़ बिल्ला हमारे मौलवी उलमा साहब बैठे हुए साहब मसूद साहब, ये भी उनके बड़े बड़े फैन है ना नागर नाग साई के, उनसे मतलब मीटअप हुआ है इनका जाके, नाउज़ बिल्ला उनको ये बड़े लिखा नहीं कहते, उनको देवबंद इतने फितने लगाए, मैं कहता हूँ देवबंद के जो उलमा है ना सब, मैं कहता हूँ लख लंद के ऊपर सर पे। असल में ये है कि जाकिर नाइक साहब एक मुबल्लिग हैं और उनका काम है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, उसका एतराफ़ होना चाहिए, और लाइक ना लाइक ये फैसला मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है, अगर एक कोई अरबी दान है वो अरबी ग्रामर उनकी देखता है तो वो उस नुक्ते से देखेगा कि उनकी अरबी ठीक नहीं है, तो लिहाजा वो उस मामले में नालायक है। अब ये देखें बतौर मुबल्लिग वो कामयाब है, उन्होंने कई मुनाजरे किए और बैन जो मजाहब उनका तकाबली मुनाजरे होते हैं और उस पर जो उन्हें ग्रिप है उस हवाले से वो एक लायक आदमी है, उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए, और मैं ख़ुद उनका मद्दा हूँ उनके कारनामों का, उनसे लोग मुतासर हुए, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनके मुतनाज़ा बयान हैं, उनसे इख्तलाफ करना हक है, और अगर इसका आवाम का ये रिएक्शन आया तो ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि पहला जाकिर साहब से जो सवाल किया गया मैं खुद उसको देख रहा था, उसमें एक लड़की उनसे सवाल करती है जो पख्तून लड़की है, वो ये कहती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रहती हूँ जहाँ ख्वातीन मुकम्मल पर्दा करती हैं और बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाती और हमारे मर्द भी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरह का इस्लामी माशरा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती के केस आते हैं और करप्शन होती है और कई इस तरह के मसाइल हैं, तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि इस्लाम, वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बात बिल इससे मैं इख्तलाफ़ करता हूँ, हर बंदे का एक अपनी राय होती है, हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सज़ाएं किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए, उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके ख़िलाफ़ आपने मतलब आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है इस्लामी माशरा है तो वहाँ उसकी जो है ना मकदार कम हो जाती है, वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, जुर्म हर हालत में रहेगा, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है, इसमें खैर और शर ये दोनों रहेंगे, तो उसका ये था। अब रही और दूसरा जवाब ये था कि अगर फ़र्द की गलती फलसफे की गलती नहीं होती,
या वो किसी मज़हब की गलती नहीं होती, अब वो इस्लाम की गलती नहीं है। हाँ, वहाँ लोग पे कुछ जुर्म करते हैं तो उन्होंने इस्लाम की तफहीम उन्हें गलत हुई है, उन्होंने सिर्फ नमाज को या पर्दे को दीन समझ लिया है, बाकी चीज़ों को दीन समझा नहीं। जुर्म जुर्म है चाहे कोई करे। इसी तरह इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, अब ये साथ हमारे मुल्क में हिंदू माशरा है, हिंदू रियासत है, अब वहाँ पे कोई जुर्म होता है, ऐसा जुर्म होता है जिसका उनका मज़हब उसकी इजाज़त नहीं देता, तो क्या हम कहेंगे कि वो हिंदू रियासत नहीं है? वो रियासत हिंदू ही है, वो जुर्म अभी उस शख्स का इनफरादी है या उसका जाती अमल है और उस पर वो जजा सजा खुदा से लेगा। अब ये देखिए ना, उन्होंने खवातीन को भी लेकर एक बयान दिया कि जो अनमेरिड खवातीन हैं या लड़कियां हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। इस स्टेटमेंट को भी लेकर आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम काफ़ी आग बगोला हुई है। ये बिल्कुल, मतलब इसको तो मैं टोटल इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल गैर मुनासिब जवाब था उनका। देखें, लोग रह रहे हैं दुनिया में, हर इंसान के अपने मसाइल हैं, अगर कोई खातून शादी नहीं करती या उसको कोई मसला है तो किसी दूसरे को ये कोई हक नहीं कि वो उसको कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या इतने सख्त लफ्ज़ उसके लिए बोले। जब आप एक तरफ कहते हैं कि औरत को सबसे ज़्यादा जो इज्जत है वो इस्लाम ने दी है, तो दूसरी तरफ एक इस्लाम का नुमाइंदा, एक मुबल्लिग जिसको इतना बड़ा लीडर तसव्वुर किया जाता है, लोगों के दिल में उनका एहतराम है, इज्जत है, उन्हें कभी भी ये जेब नहीं देता था। ये कोई आम इंसान, गुनाहगार, छोटा मोटा जो नहीं जानता था वो कह देता जाकिर साहब को ये जेब नहीं देता। जाकिर नाइक को जब हिंदुस्तान से निकाला गया तो पाकिस्तान में कई मौलाना ने, पाकिस्तान की अवाम ने गुस्सा किया कि भाई आपने इतने बड़े मजहबी स्कॉलर को हिंदुस्तान से कैसे निकाल दिया। आज वही पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के साथ जो किया था वो ठीक किया, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। जब इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, किस इस्लामी ममालिक ने इनको नहीं बुलाया, तो पाकिस्तान में इन्हें एज अ स्टेट गेस्ट क्यों इन्वाइट किया गया? क्या पाकिस्तान के पास अपने मौलाना, अपने स्कॉलर मौजूद नहीं है जो हमें जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को पाकिस्तान में इन्वाइट करना पड़ा, वो भी एज अ स्टेट गेस्ट? असल में देखिए कि ना, वो जाकिर नाइक के कुछ ख्यालात हैं, कुछ नज़रियात हैं, वो हर आलिम के होते हैं, वो मुतनाज़ हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे जाकिर नाइक का जो इस वक्त काम है पूरी वर्ल्ड में तकाबले अध्ययन के बारे में, उसमें वो मतलब यूनिक है, उनकी मिसाल नहीं है, तो लोग उससे मुतासर हैं। बाकी ये कि इंडिया के अंदर जब उनको निकाला गया, देश से निकाला गया, तो वहाँ भी मुसलमानों ने एहतजाज किया और पाकिस्तान के भी मुसलमानों ने। देखिए, ये कहा गया है, और हमारी जो मोहब्बत है, एक मोमिन की मोहब्बत जो होती है वो खुदा और उसके रसूल के लिए होती है। जब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि वो इस्लाम का नुमाइंदा है या मुबल्लिग इस्लाम है। हाँ, जब वो उसी खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ बात करेंगे या नामुनासिब बात करेंगे तो लोग उस पर उनकी मजम्मत भी करेंगे, उनसे इख्तलाफ़ भी करेंगे। आज जो पाकिस्तान के अवाम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ उनके मुतनाज़ा बयानात पे उठा रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो गेस्ट के तौर पर आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, वेलकम, वो आए हैं, लेकिन यहाँ आके जो उन्होंने कुछ मतलब उनके सवालात के जवाब थे, और मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे बनते नहीं थे। जाकिर नाइक खवातीन को लेकर अजीब अजीब तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो खातून जो शादीशुदा नहीं है या बड़ी उम्र की होगी, जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाजारू खवातीन बन जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि अगर एक मर्द 20 मिनट तक एक खातून को देखता है, उसके अंदर हरकत नहीं होती, उसको किसी चीज़ की जो है वो फीलिंग्स नहीं आती, तो वो डॉक्टर को चेक करवाए, अपना इलाज करवाए, वो बीमार है। जी, मैं आपकी बात समझ, अभी 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आई तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देखे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से? देखिए, आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा, मुझे फील होगा। हाँ। लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात, यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैं बीमार हूँ, ऐसा बीमार होना मेरे लिए फख्र है। अब बात रहेगी अगली, वो डॉक्टर साहब की, मसला ये है कि जब डॉक्टर साहब ने ये बात की, मैंने पहले भी एतराफ़ किया है, मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है, लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो इस्लाम का मुबल्लिग होने की वजह से करते हैं और तकाबले अध्ययन के बेहतरीन मुनाजरे करने की वजह से करते हैं। अब जो लोग नफरत कर रहे हैं, लोगों का गम गुस्सा, वो बजा है। जब आप देखें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, औरत के तीन रूप है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो हर लिहाज में मोहतरम है, तो वहाँ आप औरत के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ये टर्म इस्तेमाल, वो किसी तौर दुरुस्त नहीं। वो जाकिर साहब ने, कोई इंसान भी इस्तेमाल करे गलत है, चाहे हमारे कोई मौलाना इस्तेमाल करे, मैं इस्तेमाल करूँ, वो गलत बात है। अब रही बात
उनके नज़रियात की। तो ये एक उन्होंने अपना पॉइंट दिया है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और आवाम भी उससे इख्तलाफ कर रही है, लेकिन वो बैन कर देना या वो नहीं आ सकते, ये रवैया गलत है। देखना चाहिए, बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से चीज़ें है। वो एक कहते हैं ना कि एक आलिम बंदा है, उसके पास दीन है, उसके पास इल्म है, सब कुछ है हमें उसके पास। अभी मतलब अगर ये है इसी पॉइंट पे, इसी बात पे कि भाई ये उल्टा सीधा बोल रही है इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान या लोगों के बारे में, तो फिर उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पर असल में पाकिस्तान में हम खुद भी सही नहीं है ना, हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहते हैं एवरी टाइम। भाई हमें कोई मिले बस हम उसे टारगेट करें। रिसेंटली जो सिंध में आई गेस एक डॉक्टर थे, उनको टारगेट किया गया था, इवन वो मुअज्जिन थे मस्जिद के, पर उसके अकाउंट से किसी ने कोई फेक ट्वीट लगाई थी कि भाई गुस्ताखी किसी ने नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा था, तो उसे मारा गया था कुछ ऐसे फिरके, और उन्होंने उस पर इनाम रखा था कि भाई इसे हम इनाम देंगे जो इस बंदे को मार कर आएगा। इवन वो डॉक्टर है, वो सर्व कर रहे हैं आपको सोसाइटी को पिछले कोई 20-25 साल से, और फिर वो कह रहे कि यार मैं इस मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो असल में काम मतलब मसला ज़ाकिर नायक में नहीं, मसला हम में भी है। हाँ हो सकता है उसके कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि वो हम इख्तलाफ कर सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं कि बस हमें उसे टारगेट करे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं बस निकालो इसे। आपकी ख्वातीन को बाजारू ख्वातीन कह रहा है, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपको लगता है कि एज अ पठान तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अगर आपके घर में कोई बेटी है बहन अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या वो बाजारू औरत बन जाएगी? यार जब सबसे पहले चीज़ ये है कि हम हर किसी को अपना आइडियल मानते नहीं हैं, कि मैं अभी हर रोज़ ज़ाकिर नायक को भी देखूँ, किसी दूसरे आलिम को भी देखूँ, किसी तीसरे को भी देखूँ, ऐसे चलता रहूँगा तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा, क्योंकि किसी एक का अकीदा एक नहीं होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ़िरके बहुत बने हैं। और दूसरी इसकी ये बात कि ये बोल रहे कि औरत मतलब जिसकी शादी शुदा नहीं हुई उसके बारे में मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि इसके घर में भी है ख़वातीन, इसकी भी माँ बहन है, और यार किसी को बोलता रहता है कि आप मेरी बहन, मेरी अम्मी हो, मेरी सिस्टर हो, तो अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप अपने सिस्टर, अपने बहन, अपनी अम्मी को भी ये सब बोलोगे कि भाई आप लोग बाजारू हो गई हो, आप लोगों मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। पर जेड़े गल करते ना साढ़े दीन के बारे, सब तू पहले तो असा आप कमज़ोर है, साढ़े हुक्मरान कमज़ोर है, साड़ी आवाण वाली फौज कमज़ोर है, जेड़ा साढ़े दीन के बारे गल करता है ना उन्होंने लित्तर लवे ला तो इन मारे ना गोली सीधी इतने आवे। अच्छा। जेड़ा साढ़े दीन के बारे साड़ी धियाँ बहनों के बारे कोई गल करता ना हाँ। पहले नंबर तो उस दी चोर पूछो भाई तेरी धी का नहीं कुत्ती दे पोतरा, तेरी भैन माँ कह नहीं, तेरी माँ तो भैन बाजारू कोई नहीं हाँ। वो खोती दे पोतरा पहले अपने घर संभाल, पहले अपने घर संभाल, उस तो बाद साढ़े ते गाल कर। अच्छा। असा ठोक पंजाबी है ठोक गाल करने हैं हाँ। भावे साढ़ा प्यो ही होवे ना उसी सानू हिका हाँ। गाल की जेड़ा धी दे बारे गाल कर उन्होंने आख पहले अपनी धी संभाल अपनी भैन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर एक दिन की बात हो रही है अपने इस कहा क्यों पकड़ा इस्लाम में ये जायज, इस्लाम में ये जायज है पकड़ी कर, इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी कर अपने पूरा उसका ओ भाई ओ बहन है माइक छोड़ दे, ये इस्लाम में जायज है भाई मेरी बहन है बस, ना महरूम लड़के का तुम कभी भी आते हो यार। उनकी फेवर नहीं कर रही हूँ मैं आपकी भी बात पे आप भी राइट पे हैं वो भी राइट पे हैं लेकिन वो माइक पकड़ना चाह रहे थे मेरे हाथ के ऊपर, उनका हाथ आ गया, उनकी गलती नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक के ऊपर, जो के कह रहे हैं कि वो ख़वातीन, वो बेटियां, वो बहनें जो अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू ख़वातीन है। डॉक्टर नहीं है वो, कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का तो पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिए अपने, पहले सोचिए अपनी बहन आल, अपनी माँ आल, अपनी धी आल, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दियाँ बहन आल गल करे।
क्या कहना चाहेंगे आप? एग्री करते हैं भाई की बातें, आपको समझ में आ रही है? पंजाबी में बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इस वक्त, समझ आ रहे हैं? मुझे सब समझ आ रही है, ये कोई एथिक्स नहीं है, ये कोई वो नहीं किसी उलमा के बारे में आप गाली दो उसको, बुरा भला को सही है, उसने गलती की, आप जानबूझ के बोला है, जो भी है उसके लिए उलमा है, तकी उस्मानी साहब है, मंजूर मेंगल साहब जैसे बड़े बड़े लोग बैठे उस चीज़ के लिए, वो सॉर्ट आउट करने के लिए। यार हमें तीन कलमे नहीं आते, तीन इवन छः तो छोड़ो, हमें तीन कलमे नहीं आते और हम भी आके स्कॉलर्स पे ब्लेम कर रहे हैं आजकल। और आजकल जो न्यू जनरेशन यूथ है ना, वो स्कॉलर को ना अपना दुश्मन समझती है, जो बात है वो कहते हैं कि भाई ये दुश्मन है हमारे, ये हमें गलत गाइड करेंगे, ये हमें गलत रास्ता। पाकिस्तान में और भी बहुत बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, आलिम मौजूद हैं, हम उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते थे। मौलाना जाकिर नाइक जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया, कोई ना कोई वजह होगी ना जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया, उन्हें किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बुलाया, हमने क्यों इन्वाइट किया? वो भी 30 दिन के लिए आती, पहले उन्होंने कह दिया कि हमारी एयरलाइन ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस किए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लगेज था, तो आते ही पाकिस्तान भी आग बगोला हो रहे हैं ना। असल में देखो ये सारी कमजोरी ना पाकिस्तानियों की, अगर एक कमजोरी ना हो गया जेड़ा उत्थू लित्र खाते आया इतने ही मूँह उत्त लित्र मार सकते हैं। आखिर खबरदार साड़िया धीन भैन साढ़े हुक्मरान असा हम वोट पाने किस कोल पाने साढ़े हुक्मरान साढ़े सरबरा साढ़े सरबरा जो अकल तू फारिक हो जाए तो बैन तो मर्जी हो जाए। अफगानिस्तान वेख लो, ईरान वेख लो, शाम वेख लो, ठीक है, फिलस्तीन वेख लो, फिलस्तीन वेखो के हाल हो उडे नहीं गैरत जागी साढ़े किसे किसे मुसलमान दी किसे मुसलमान 18 मुसलमान असाड़ियां उत्ते दियां बैना कहनी। ईरान ने किया है ना, ईरान ने अटैक किया 400 मिसाइल दागे तो है इजराइल के ऊपर, ईरान ने किया है ना, ईरान ने किया है, तो उस अपने अपने बचावण लई किया है, अपने बचावण लई किया है उसने किया, तो अपने बचावण लई ओनू पता लगा कि मेरे कोल भी ये चीज है।